तेलंगाना की राजधानी में हुए डॉक्टर दिशा के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और मामला सामने आ गया है। यहाँ एक 18 वर्षीय युवती के साथ मदद के नाम पर रेप किया गया। दरअसल पीड़िता अपनी 10 साल की बहन के साथ जा रही थी, इस दौरान वो रास्ता भूल गई। ऑटो चालक ने मदद के नाम पर लड़की से यौन उत्पीड़न किया। शहर के नामपल्ली इलाके में एक लॉज में ऑटो ड्राइवर ने 8 दिसंबर की रात युवती से रेप किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले हैदराबाद की डॉक्टर दिशा के साथ मदद के नाम पर दरिंदगी हुई थी। डॉक्टर दिशा के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश भर में गुस्सा था। इस मामले में पुलिस ने 4 केस दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान जब पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर गई तो आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस समय हुए एनकाउंटर में पुलिस ने चारों आरोपियों को ढेर कर दिया। इसके बाद तेलंगाना पुलिस के इस एनकाउंटर पर सवाल उठे और मामले में सुप्रीम कोर्ट व तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर की जांच के लिए आयोग गठित करने का आदेश दिया। ये आयोग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति V.S. सिरपुरकर के नेतृत्व में गठित करने का आदेश दिया गया है। इस जांच आयोग में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति रेखा सोंदूर बालदोता और पूर्व CBI डायरेक्टर DR कार्तिकेयन को शामिल किया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।